हिस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। भारत देश के लोगों की सुनवाई कर रहा हूं मैं, मेरी सुनवाई क्या करेंगे, मैं तो साधारण आदमी हूं, मिडिल क्लास आदमी हूं। मैं चाहता हूं कि भारत के अंदर जो महंगाई बढ़ी है, ये महंगाई कम करने के लिए, अच्छे दिन लाने के लिए सरकार आई थी, इसने सरकार महंगाई तो महंगाई बढ़ा दी, बुरे दिन देश के आ गए और बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट इतना कम घट गया है। आज देश के अंदर 2 करोड़ देने की बात की थी उन्होंने नौकरियाँ, तो 12 करोड़ नौकरियाँ घट गई है। तो ये सब बातें देख के महंगाई, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा के वजह से हमारा देश आज पिछड़ा हो। अरे अमृत महोत्सव हमारे भारत देश की दुर्दशा है कि 75 साल में ये देश यहाँ इतना पिछड़ा चला गया। अरे जब दूसरी सरकार थी 70 साल ये मोदी सरकार ने देश को पीछे लेके गया, 70 साल भारत देश को मोदी सरकार ने पीछे लेके गया, ये मेरा उनके ऊपर आरोप है। हाँ, इंडिया पीछे चले गया, इसलिए इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं जो देश सरकार, लेकिन भारत देश आज के डेट में महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और भुखमरी और लोगों को रोजगार नहीं, इसकी वजह से सब इंडेक्स कम बढ़ गया है इसका, इसीलिए देश अपना देश पीछे गया है और आर्थिक परिस्थिति हमारे देश की खराब हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि अपना खुद का दायित्व मोदी सरकार की वो इस्तीफा दे, कुछ जिम्मेदारी बनती सरकार की कि सबको, लोगों को शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, नौकरी दे, पानी दे, महंगाई दे, रोज रोटी दे। इन्होंने संपत्ति कायदा बनाया, राशन कायदा बनाया, इस सबसे गरीबों के विरोध में बनाया। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।